हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ऑटो गीक मानस। एंड जो आज का व्लॉग है ये है Hyundai Venue के बारे में। सो Hyundai Venue SX मॉडल के SX वेरिएंट के बारे में। तो ये टॉप से एक नीचे है मॉडल एंड ये टर्बो चार्ज इंजन के साथ आता है। चैनल को सब्सक्राइब करना आगे बढ़ने से पहले। तो ये Hyundai Venue SX वेरिएंट जो कि ये पेट्रोल वेरिएंट है जो कि आता है 1000cc टर्बो चार्ज इंजन के साथ। हालांकि इसमें डीजल ऑप्शन भी है बट ये है पेट्रोल वेरिएंट जो आप देख रहे हैं। एंड आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार Hyundai की है ये। एंड लुक्स की बात करूँ बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर इंडिकेटर्स मिलेंगे, ठीक है। उसके नीचे आपको ये DRLs मिलेंगे स्क्वेयर शेप के और बीच में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं जो कि हेलोजन है इस वेरिएंट में, इसमें आपको LED नहीं मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स भी ऑफर किए गए। उसके साथ यहाँ पे नीचे आपको गन मेटल है सिल्वर फिनिश में क्लैडिंग दी गई, बहुत स्पॉटी लुक देती है। एंड फ्रंट ग्रिल की बात करो तो यहाँ पे आपको डार्क क्रोम फिनिश में एंड विद सेंटर में बोर्ड लोगो Hyundai का आपको मिलेगा, काफ़ी अट्रैक्टिव है जस्ट लाइक वरना। एंड साइड से कुछ ऐसी लुक है। तो सबसे पहले मैं आपको साइड में व्हील्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पे आपको 16 inches के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं इस वेरियंट में, SX वेरियंट में, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड साइड मिरर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश में विद इंडिकेटर्स ऑन इट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल साइड डोर व्यूज में मिलते हैं। एंड डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर्ड प्रोवाइड किए गए हैं इसमें। और यहाँ पे आपको साइड में ब्लैक क्लैडिंग मिलेगी। एंड ऊपर भी आपको गन मेटल या सिल्वर फिनिश में आपको रूफ रेल्स ऑफर की जा रही है इसमें। एंड रियर की बात करूँ तो रियर टेल लैम्प मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, LED टेल लैम्प्स है, काफ़ी अच्छा पैटर्न है। आपको रियर सेंसर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको XX वेरिएंट की बैजिंग मिलेगी यहाँ पे Venue की बैजिंग सेंटर में। एंड यहाँ पे आपको टर्बो बैजिंग मिलेगी, डैट मीन्स इट इज़ अ टर्बो पावर्ड इंजन। सो यहाँ पे आपको रियर वाइपर नहीं है इस वेरिएंट में। एंड रियर डिफॉगर ज़रूर मिलेगा और ऊपर शार्क फिन एंटीना इसमें ऑफर की गई है। एंड रियर कैमरा की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलेगी नीचे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं सिल्वर क्लैडिंग यहाँ भी आपको ऑफर की गई, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देती है कार को। एंड मैं आपको इसकी की के बारे में बताता हूँ। तो इस वेरिएंट में आपको फोल्डेबल की मिलेगी, इसमें स्मार्ट की नहीं है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे फोल्डेबल की मिलेगी। सो अब टाइम है कार को ओपन करने का एंड इसके इंटीरियर्स आपको दिखाने का। तो सबसे पहले डोर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली ब्लैक थीम डोर्स मिलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये सिल्वर फिनिश में डोर अनलॉक लीवर मिलेगा। और यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पे आपको सारे साइड ORVM पावर विंडो कंट्रोल सब कुछ यहाँ पे आपको ऑफर किया गया, डोर लॉक अनलॉक कंट्रोल सब कुछ। एंड यहाँ पे आपको थोड़ी स्पेस दी गई है। एंड यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर दिया गया है एंड कुछ स्पेस है। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। एंड मैं सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी विद हाइट एडजस्टेबल फीचर ऑल्सो। एंड सीट्स कंफर्टेबल लग रही है मुझे। और यहाँ पे आपको हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल दिया गया है, बकेट सीट्स लग रही है। तो मैं आपको अंदर चल के बताऊँगा कैसे कंफर्ट इसमें है। तो यहाँ पे आपको ये फ्यूल लिड ओपनर यहाँ आपको प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे आपको फ्रंट बोनट ओपनर दिया गया है। तो चलते हैं कार के अंदर एंड बताता हूँ आपको कि अंदर से कैसा कम्फर्ट है, क्या फीचर है सब कुछ इस वेरियंट के बारे में। तो अंदर आपको बैठते ही कम्प्लीटली ब्लैक सराउंडिंग आपको देखने को मिलेगी इसमें। एंड स्टीयरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फुल लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, फुली लोडेड स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश की ट्रीटमेंट दी गई है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको स्विचेस मिलेंगे, लेफ्ट राइट में, लेफ्ट साइड में आपको मीडिया कंट्रोल्स, फ़ोन कंट्रोल्स एंड सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और राइट साइड में आपको मिलेगा क्रूज़ कंट्रोल के सारे स्विच यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको AC वेंट्स दिया गया विद सम सिल्वर सराउंडिंग्स। एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर का स्विच दिया गया है। एंड मैं अगर बात करूं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो मैं आपको दिखाता हूं ऑन करके। तो पहले मैं ये की से कार ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाता हूं कैसा लगता है ऑन करके। तो जैसे आप कार ऑन करोगे तो कुछ आपको ऐसी लुक देखने को मिलेगी, ब्लू फिनिश लाइट्स काफ़ी सही लग रही हैं और बहुत ही स्पोर्टी लुक है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। डायल्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको RPM मीटर दिया गया है, यहाँ पर आपको कुछ सिग्नल लाइट्स हैं, यहाँ पे आपको बीच में स्पीडोमीटर है और यहाँ पे आपको राइट साइड में एक MID दी गई है जिसमें बेसिक कार की सारी इन्फॉर्मेशन,
टेम्परेचर, फ्यूल, रेंज, डिस्टेंस सब कुछ यहाँ मिलेगा, और यहाँ से इस नॉब्स या जो भी है इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं इस MID को। एंड राइट साइड में आपको सारे हेडलाइट कंट्रोल्स मिलेंगे, एंड यहाँ पे आपको ऑटो हेडलाइट का फीचर भी दिया गया है, एंड लेफ्ट साइड में सारे वाइपर कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। एंड अब मैं बात करता हूँ आपको स्टीयरिंग के बारे में, दिखाता हूँ इसके टेलीस्कोपिक या जो भी है आपको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको टिल्ट स्टीयरिंग तो ऑफर किया जा रहा है, बट इसमें आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग नहीं मिलेगा। एंड अब बात करूँ सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड कम्प्लीटली ब्लू थीम दिया गया है। यहाँ पे आपको AC वेंट्स लेफ्ट राइट में मिलेंगे, बीच में आपको ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। तो मैं आपको पहले इसके बारे में बताता हूँ इसका रिस्पांस कैसा है, इसमें क्या क्या फीचर्स है। बेसिकली आपको इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी एंड रियर व्यू सब कुछ यहाँ मिलेगा, फ़ोन कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ। एंड मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको DRVM करके एक फीचर है, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो बेसिकली अभी तो ये पार्किंग मोड में तो आप काम नहीं करेगा, इसमें आपको रियर व्यू कैमरे से सारा व्यू इसमें दिख जाएगा, तो काफ़ी यूज़फुल है ये। एंड यहाँ पे आपको नीचे फिजिकल बटन्स दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के, लाइक मीडिया, ट्रैक चेंज एंड सेटिंग्स वगैरह। यहाँ पे आप सब कुछ बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पावर का स्विच नॉब है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम वगैरह का नॉब दिया गया है, यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का स्विच दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको नीचे AC के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलेगा, यहाँ से आप ब्लोअर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बीच में डिस्प्ले है जिसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स इस स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से ऑफ हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट एंड रियर डिफॉगर के स्विच भी दिए गए हैं। एंड उसके नीचे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दो USB पोर्ट है, एक चार्जिंग के लिए और एक एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के लिए। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया गया है, और यहाँ पे आपको स्पेस आपको मिल जाती है। एंड इसमें आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है इस वेरियंट में, हालांकि इसमें ऑटोमेटिक DCT ट्रांसमिशन भी आता है। एंड रिवर्स करते ही आपको रियर व्यू सारा इसमें डिस्प्ले में नज़र आएगा। एंड यहाँ पे आपको छोटा सा स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक ऑफर की गई है साइड में उसके। एंड मैं आर्मरेस्ट की बात करूँ तो इसमें आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जा रहा है। एंड मैं स्पेस की बात करूँ तो बस डिसेंट स्पेस है, मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू बाकी कार्स जो इस रेंज में आती है। एंड अब मैं रियर व्यू मिरर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल ORVM मिल जाता है, एंड उसके ऊपर आपको हेलोजन कैबिन लाइट्स मिलती है, अगर LED होती तो बेटर होता। एंड यहाँ पे आपको एक सनरूफ का स्विच है जो कि मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको वन टच ओपन एंड क्लोज का फीचर भी प्रोवाइड किया गया सनरूफ में। हालांकि ये सनरूफ का साइज़ डिसेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा है, बट ठीक है डिसेंट है, आपको एक काफ़ी एयरी फील होगा इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं वन टच क्लोजिंग सिस्टम। एंड आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो बस ये खाली वेंटिलेशन के लिए अप एंड डाउन होगा जो ग्लास है, आपको जो ये शेड है ये आपको मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा अपने हाथों से। एंड यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट मिलेगी। एंड मैं आपको सनवाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया, वैनिटी लैम्प नहीं है इसमें। एंड ड्राइवर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया, मुझे काफ़ी सही लगा ये स्पेस। एंड ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे कूल ग्लव बॉक्स मिलता है, तो काफ़ी सही है ये। एंड अब टाइम है पीछे जाके दिखाने का आपको। एंड रियर डोर की बात करूँ तो सेम कम्प्लीटली ब्लैक थीम्ड, यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको थोड़ी स्पेस दी गई है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, स्पीकर, डोर ओपनर लीवर एंड ये उसका लॉक सब मिलेगा। एंड अब मैं आपको इसके अंदर का दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। एंड रियर में आपको आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया गया, काफ़ी मुझे मतलब इस रेंज में मतलब मिलना चाहिए था, हालांकि ठीक है। एंड स्पेस की बात करूं एंड कंफर्ट की बात करूं तो स्पेस की कमी नहीं है, स्पेस काफ़ी सही है, लेग रूम आप देख सकते हैं काफ़ी सही लेग रूम है इसमें। एंड स्पेस वाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स भी ऑफर किए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड उसके नीचे यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी ऑफर किया गया है, बट मतलब मेरे साथ में अगर मैं देखूँ तो कंफर्टेबली दो बंदे तो बैठ जाएंगे, तीसरे को थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हम्प भी दिया गया है बीच में, तो मतलब स्पेस वाइज ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, एंड ऊपर आपको हेलोजन कैबिन लैम्प्स दिए गए हैं। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बूट के बारे में, तो बूट ओपन करते ही
बूट स्पेस की बात करो तो काफ़ी सही है मुझे लगी इसमें बूट स्पेस, उसमें हालांकि कुछ ऐसी कमी मुझे नहीं लगी बूट स्पेस में। एंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपको रिमूवेबल पार्सल ट्रे भी ऑफ़र की जा रही है, एंड उसके अंदर मैं आपको स्पेयर व्हील की भी दिखा देता हूँ एक बार। तो स्पेयर व्हील की बात करूँ तो यहाँ पे इसके नीचे आपको एक स्पेयर व्हील आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको बूट लैम्प भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये था बूट के बारे में। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट दी Hyundai Venue SX पेट्रोल टर्बो इंजन वेरिएंट के बारे में। हालांकि इस प्राइस रेंज में आपको और भी ऑप्शन मिल सकते हैं, अगर आप इस 11 लाख तक का जैसे इसका प्राइस है तो आप थोड़े पैसे डाल के आप क्रेटा भी जा सकते हैं जो कि इससे काफ़ी सही है और साइज़ में एंड लुक में। बट हाँ, वो उसमें आपको बेस वेरिएंट मिलेगा, बट उसके बेस वेरिएंट में भी बेसिक फीचर्स आ रहे हैं। बट हाँ, अगर आपको उसकी लुक पसंद है, आप इससे ऊपर नहीं जाना चाहते बजट में, तो इस प्राइस रेंज में ये वेरिएंट सही है। फुली लोडेड है, फीचर्स इसमें काफ़ी हैं, मैं कहूँ ब्रेज़ा के कंपैरिजन में ज़्यादा फीचर्स इसमें ऑफ़र किए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक घर पे बैठिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, टिल देन बाय बाय।